इवनिंग गाइज, आज हम खेलने वाले हैं सुपर संडे के दो मुकाबले, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। और पहला मैच जो कि ईडन गार्डन में होने वाला है, ये होने वाला है कोलकाता वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। और इसके बाद हम खेलेंगे आज का आईपीएल का 2024 का सबसे बड़ा मैच, जो कि होने वाला है मुंबई और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। सो यहाँ पे मैं खेल रहा हूँ एज ए कोलकाता आज, और लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीत लिया है, और टॉस जीत के देखते हैं वो क्या लेते हैं। तो इन्होंने, लखनऊ सुपर जायंट्स ने ले ली है पहले बैटिंग, तो इसका मतलब है हम करने वाले हैं आज बॉलिंग। और हमारे पास हैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर्स। V21, हेलो भाई, आज तो मैं तेरे साथ खेलूंगा 2020। भाई मॉर्निंग में हम खेल सकते थे, मॉर्निंग में मैंने आपको मैसेज किया था, पर आप शायद बिजी थे, उसके बाद मैं बिजी हो गया था तो शायद नहीं खेल पाए। पर कोई बात नहीं, आज की स्ट्रीम के बाद डेफिनेटली मैं तेरे साथ खेलने वाला हूँ मैच, सो नो प्रॉब्लम। हम कन्फर्म्ड है ये कि हम दोनों खेलेंगे। और बॉलिंग की शुरुआत करेंगे हमारे मिचेल स्टार्क पहली गेंद के साथ। सामने है क्विंटन डिकॉक, पहली गेंद मिचेल स्टार्क, सामने है क्विंटन डिकॉक। ओ, पहली गेंद स्विंग, और मजा आने वाला आज के मैच में। एक बढ़िया इन स्विंग का मेरे को वेट है, तो पिच पे क्रैक देख सकते हो आप, हैवी क्रैक है। और हवा में ये शॉट पर सेफ, वहां पर फील्डर मौजूद और केवल सिंगल ही मिलेगा। केएल राहुल आ चुके हैं अब स्ट्राइक पर, जिनका 2024 का ये जो मैच है वो कुछ खास गया नहीं है अभी तक। तो लेट्स सी आज क्या करते हैं केएल राहुल। पहली गेंद फेस करेंगे, सामने है मिचेल स्टार्क, फ्लिक कर दिया है सिंगल के लिए मिड विकेट की तरफ, और मेरे ख्याल से दो रन हो जाएंगे। अरे ये तो थ्रो कर देते ना भाई सीधा। वेट माई क्रिकेट 24 इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, ट्राई करता हूँ, वरना 22 का तो बैकअप है। बिल्कुल ब्रो, बिल्कुल आप कर लो आपका जो भी है, फिर उसके बाद हम खेल लेंगे। तो आज की पिच पे बड़े बड़े क्रैक हैं स्पिनर्स के लिए, बढ़िया जो है पिच रहने वाली है ये। फ्लिक कर दिया है फाइन लेग की तरफ, और सिंगल मिलेगा यहां पर। एक ऑफ कटर डाल के देखते हैं, पुल करने की कोशिश, मिड ऑन पर चली गई, और सिंगल ही मिलेगा यहां पर। इस ओवर की आखिरी गेंद, सामने है केएल राहुल, मिचेल स्टार्क का सामने की तरफ खेल दिया है केएल राहुल ने, फील्डर बॉल के पीछे और डाइव लगा के रोका है, तीन रन बचाए अपनी टीम के लिए, बढ़िया फील्डिंग वहां पर। और गाइज, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले, क्योंकि आज हम खेलने वाले हैं सुपर संडे के दो मैचेस, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और अब बॉलिंग पर आ चुके हैं हर्षित राणा। पहली गेंद केएल राहुल सामने, शॉर्ट पिच गेंद, लग रहा था कि शॉर्ट पिच गेंद होगी पर ऐसा हुआ नहीं। आउटस्विंग डाल रहा हूं मैं, स्पार्क कवर की तरफ खेल दिया है केएल राहुल ने, कोई रन नहीं अभी तक, बाउंड्री नहीं आई है कोई भी इस मैच में, इस इनिंग्स में अभी तक कोई बाउंड्री नहीं लगी है ना कोलकाता की तरफ से, सॉरी लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। कोलकाता की तो अभी बैटिंग ही नहीं आई है। ये इस बार फ्लिक किया है फाइन लेग की तरफ, सीधा फील्डर के हाथों में, और कोलकाता के होम ग्राउंड ईडन गार्डन में ये मैच हो रहा है, और देखना होगा कि ईडन गार्डन में कोलकाता किस तरीके से आज बैटिंग करता है। और बॉलिंग करता है एज, थर्ड मैन की तरफ, और सेफ।
पहला चौका मिल चुका है यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स को। ये आउटस्विंग थी और फोर्थ स्लिप में ये कैच किया था, पर वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं था और इसी के चलते पहली बाउंड्री लखनऊ सुपर जायंट्स को मिल चुकी है। इन स्विंग करा के देखते हैं एक। ओ यार, ये फिर से इस बार लेट कट और एक और बैक टू बैक बाउंड्रीज यहां पर आती हुई केएल राहुल के बल्ले से। शानदार शॉट और एक और चार रन यहां पर मिल चुका है केएल राहुल को। सो गाइस, पोल ओपन है, बट पोल जो मैंने बनाया है वो शाम के मैच के लिए बनाया है जो कि होने वाला है मुंबई इंडियंस वर्सेस CSK चेन्नई सुपर किंग और धोनी वर्सेस रोहित शर्मा के बीच में आज बड़ा मुकाबला होगा शाम को। संडे आपका फंडे होने वाला है तो मजे करेंगे हम और मैं आप लोगों के साथ यहां पर स्ट्रीम करने वाला हूं आज। सो मिचेल स्टार्क आ चुके हैं हमारे दूसरे ओवर के साथ। आउट स्विंग के साथ शुरुआत करूंगा। सामने है क्विंटन डिकॉक। पहली गेंद, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश पर नाकाम वहां पर क्विंटन डिकॉक। सिंगल ही मिलेगा। राउंड द विकेट नहीं आते हैं अभी, ओवर द विकेट ही डालते हैं। अभी मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। अभी मिचेल स्टार्क की ठीक बॉल डल रही है ऑन द स्पॉट जहां पे डलनी चाहिए मिचेल स्टार्क की, वहां पे डल रही है अभी बॉल, तो अभी के लिए ठीक है। ओ, ये थोड़ा सा लेग साइड में और केएल राहुल ने हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया है और चार रन फाइनल की तरफ। शिवा अधिकारी CSK टुडे विन। ओके, तो शिवा भाई हमारे CSK को सपोर्ट कर रहे हैं। वेलकम टू द स्ट्रीम शिवा अधिकारी। ओ, ये ज्यादा स्विंग हो गई, ये बहुत ज्यादा स्विंग हो गई, बहुत ज्यादा ही आउट स्विंग हो गई है। वाइड का इशारा अंपायर का। मैं सरप्राइज बिल्कुल नहीं हूं क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा बाहर थी ये बॉल। हल्के हाथों से केएल राहुल ने खेल दिया है सिंगल के लिए और लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर हो चला है अब 22 रन। सामने है इस बार क्विंटन डिकॉक। ये बढ़िया शॉट और फील्डर बॉल के पीछे बचा लिया, चार रन बचा लिए पर मेरे ख्याल से दो रन हो जाएंगे। दो रन लिए कि नहीं, सिंगल ही लिया यार, दो रन आराम से ले सकती थी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। खराब रनिंग बिटवीन द विकेट मैं यहां पर बोलूंगा। ओके सर, थैंक यू। अरे थैंक यू, थैंक यू भाई आपको, आप जो मेरी स्ट्रीम देखने आए हो तो मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और तीन ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर हो चुका है 23 रन। फील्डिंग तो यही रखते हैं, अभी हम इसी के साथ कंटिन्यू रखते हैं। हर्षित राणा इस पाओ, कमाल की फील्डिंग वहां पर। कौन था ये फील्डर, मैं फील्डर देखना चाहूंगा। शॉर्ट मिड विकेट पे रघुवंशी, बढ़िया फील्डिंग, शानदार फील्डिंग। ओ खराब बॉल थी ये, बहुत ही खराब बॉल थी, बहुत ही लेग साइड में, मतलब बहुत ही बाहर डल गया था ये बॉल। जल्दी से एक विकेट निकालते हैं। ओ भाई साहब, कमाल की फील्डिंग है यार, क्या फील्डिंग कर रहा है रघुवंशी ना, अमेजिंग। ये बाउंड्री थी, अगर ये गैप में जाती तो ये बाउंड्री थी, पर डाइव लगा के चार रन बचाया अपनी टीम के लिए। ओ ये हवा में शॉट, केएल राहुल, क्या ये सिक्स होगा, देखने वाला होगा। ओ भाई साहब, लंबा सिक्स, क्या शानदार शॉट मारा है और बड़ा छक्का यहां पर केएल राहुल के बल्ले से आता हुआ। ये देखो, ये बहुत ही ऊंचा था, मेरे को लगा था एक बार के लिए कैच आउट हो जाएगा,
पर लंबा सिक्स वहां पर केएल राहुल के बल्ले से आता हुआ पहला छक्का इनिंग का। V21 हेलो भाई, फाइनली फेस रिवील, हा वाओ नाइस, थैंक यू सो मच भाई। बट ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि मतलब मैं कैमरा ऑन करके स्ट्रीम कर रहा हूँ, मैं पहले भी काफी बार कैमरा ऑन करके स्ट्रीम कर चुका हूँ। आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, दूसरे गेम्स के साथ मैंने की हुई है। पर यहाँ पर शानदार शुरुआत देते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स को केएल राहुल, एक बड़ा टारगेट की तरफ ध्यान रहेगा केएल राहुल का कि एक बड़ा टारगेट दें कोलकाता को उन्हीं के होम ग्राउंड में। अगली गेंद हर्षित राणा, और इस बार पुल कर दिया है और एक और बाउंड्री, सो बैक टू बैक बाउंड्रीज यहां पर केएल राहुल के बल्ले से आती हुई है। शानदार बैटिंग, ये बड़ा ओवर बनाया है हर्षित राणा का, ये खराब बॉल नहीं थी लेकिन लाजवाब शॉट, चार रन मानना पड़ेगा केएल राहुल को। और मैंने जितने भी आईपीएल मैच खेले हैं, इस गेम में केएल राहुल ने हर बार स्कोर किया है मेरे अगेंस्ट। मेरे को समझ में नहीं आता क्या करके आता है ये, पर हर बार स्कोर किया है। बॉलिंग चेंज कर लेते हैं गाइज, रसल है, नारायण है और वरुण अरोड़ा भी है आज हमारे पास बॉलिंग एज अ बॉलर, पर मैं एक ओवर कराना चाहूंगा नारायण से। सुनील नारायण को लेके आए हैं हम पावर प्ले के पांचवें ओवर में और देखना होगा किस तरीके से बॉलिंग करते हैं आज सुनील नारायण। फील्डिंग तो ठीक है, ये थोड़ा सा हमें स्पिनर्स को मदद मिल सकती है इस पिच पे। ओ बढ़िया टर्न हुआ यार, ऑफ स्पिन डाला था मैंने पर अच्छा टर्न हुआ, तो ये देखना मजेदार रहेगा कि क्या हम स्पिनर्स इस पिच पे कर पाएंगे। ओ ये सामने की तरफ शॉट, और भाई क्या ये वन हैंडेडली सिंगल हैंडेडली पकड़ के थ्रो भी किया है सुनील नारायण, एकदम से पूरा फॉर्म में। अगली गेंद ये कट कर दिया है इस बार, और गजब की फील्डिंग यार, कोलकाता फील्डिंग के मामले में मतलब 10 out of 10 ले रहा है अभी तक, कोई मौका नहीं दे रहा है लखनऊ को फील्डिंग में, तो मिस फील्ड का तो कोई चांस नहीं दे रहा। ये बड़ा शॉट और 6 रन, ये स्टेप आउट करके मतलब कट मारा है जैसे सौरव गांगुली मारते थे, दादा मारते थे पुराने जमाने में। ये देखो स्टेप आउट किया और कट मारा है और ये कवर्स के ऊपर से 6 रन चले गए। बढ़िया शॉट क्विंटन डिकॉक का, और यहां पे कोई मौका नहीं दे रही है अभी तक लखनऊ की टीम, और ये बच गया यार, बाउंड्री से बच गया। और इसी सिंगल के साथ लखनऊ का स्कोर हो चला है 41 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। प्लीज वर्जन कौन सा है यहाँ पे टाइप करके बता दो ना प्लीज। विशाल भाई मेरे को क्रिकेट 24 ये मैंने परचेज किया था PS5 से, और वर्जन इसमें नहीं मेरे को पता है कौन सा वर्जन है, मैं PS5 पे खेलता हूँ तो PS5 पे वर्जन का मेरे को कोई आइडिया नहीं है। हाँ बट अपडेट आता रहता है, वो PS5 में ही अपडेट आता रहता है मेरे को, तो मुझे ऐसे कोई वर्जन का आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने कोई नेट से डाउनलोड नहीं किया ये गेम, सो नॉर्मली PS5 के प्ले स्टोर से लिया था। इस बीच यहां पर एक और 4 रन इस बार क्विंटन डिकॉक के बल्ले से, तो क्विंटन डिकॉक यहां पर बड़े बड़े शॉट्स लगा रहे हैं। बढ़िया शॉट और बाउंड्री मिलती हुई यहां पर क्विंटन डिकॉक को, और इसी 4 रन के साथ लखनऊ का स्कोर हो चला है 45 रन। यहां पे बॉलर चेंज कर लेता हूं मैं, आंद्रे रसेल को लेके आते हैं हम बॉलिंग अटैक पर। चल मल्टीप्लेयर ऑन किया है, कहां है तू भाई? मैं अभी स्ट्रीम कर रहा हूं, अभी हम मल्टीप्लेयर गेम नहीं खेल सकते। अगली गेंद, पहली गेंद यहां पर आंद्रे रसेल की, और फ्लिक के साथ 4 रन पहली गेंद पर शुरुआत की है यहां पर केएल राहुल ने, एक बढ़िया फ्लिक के साथ, और 4 रन मिलेंगे यहां पर पूरे। खराब शुरुआत यहां पर कोलकाता की,
एज अ बॉलिंग देखे जाए तो यार मेरे को कोई विकेट नहीं मिल रहा है, विकेट चाहिए भाई हमें, अब भी विकेट विकेट चाहिए हमें विकेट। शॉर्ट पिच गेंद डालता है कि देखता हूं, एक कट किया है इस बार कवर्स की तरफ, सिंगल मिलेगा केएल राहुल को और इसी के साथ मेरे ख्याल से 50 रन की पार्टनरशिप यहां पर हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। फ्लिक किया है इस बार फिर से मिड विकेट की तरफ, क्विंटन डिकॉक को मिलेगा सिंगल, 50 रन की पार्टनरशिप यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने कर दी है। और ये बॉलर के सिर के ऊपर से केएल राहुल का एक और शानदार चौका और पावर प्ले का पूरा फायदा उठा रहे हैं यहां पर लखनऊ की टीम, कोई लूज शॉट नहीं खेल रहे हैं, परफेक्टली टाइम था ये शॉट। ये देखो केएल राहुल ने बिल्कुल सिर के ऊपर से मारा आंद्रे रसेल के और मिलेंगे पूरे 4 रन। सिंगल मिलेगा इस बार और पावर प्ले की आखिरी गेंद है ये, इसके बाद मैं फील्ड थोड़ा ओपन कर लूंगा तो थैंकफुली हमें थोड़ा फिर राहत मिलेगी क्योंकि इतनी देर से बड़े बड़े शॉट्स आए जा रहे हैं, बड़े बड़े शॉट्स मार रही है लखनऊ की टीम। तो इस ओ ये इस बार पुल किया है फाइन लेग की तरफ और इस सिंगल के साथ पावर प्ले हो चुका है खत्म। लखनऊ ने बनाए हैं पावर प्ले में 58 रन, 58 रन बनाए हैं और कोई विकेट इन्होंने नहीं गिराया है। सुनील नारायण आ चुके हैं बॉलिंग अटैक पर और अब हम फील्ड को खोल लेते हैं क्योंकि बहुत बाउंड्री लग चुकी हैं और अभी हमें चाहिए विकेट। पहली गेंद पावर प्ले के बाद सुनील नारायण की, पंच कर दिया है कवर्स की तरफ सिंगल के लिए क्विंटन डिकॉक ने, अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है, दोनों बैट्समैन बाउंड्रीज मार रहे हैं, सिंगल निकाल रहे हैं, अच्छा स्ट्राइक रोटेट हो रहा है। पर यहां पे कोलकाता की टीम को यानी कि हमें एक विकेट की तलाश। केएल राहुल पहुंच चुके हैं 39 रन पे 24 बॉलों पे, 6 चौके और एक छक्के की मदद से। यार ये बड़ा शॉट और सीधा फील्डर के हाथों में, फाइनली विकेट मिलता हुआ हमें, ब्रेक थ्रू दिलाया है सुनील नारायण ने और जश्न का माहौल यहां पर कोलकाता की टीम के लिए क्योंकि फाइनली मिल चुका है विकेट। ये स्टेप आउट करके फिर से कट मारने गए थे और सीधा रसेल के हाथों में यहां पर गेंद थमा दिया है और इसी के साथ पहला विकेट गिरता हुआ लखनऊ की टीम का और हमें मिल चुका है एक ब्रेक थ्रू क्योंकि बहुत देर बाद हमें विकेट मिला। और अब आ चुके हैं बैटिंग के लिए देवदत्त पाडिकल। गेम सिद्धू मूसेवाला गेमिंग गेम सिद्धू मूसेवाला वाली गेम सिद्धू मूसेवाली गेम क्या लिख रहे हो भाई आप? सिद्धू मूसेवाला तो सिंगर था, वो गेम भी खेलता था क्या? देवदत्त पाडिकल ने आते ही बड़ा शॉट लगाने की कोशिश और सीधा फील्डर के हाथों में सिंगल के साथ अपना खाता खोलेंगे देवदत्त पाडिकल। और अब बैटिंग पर सामने है केएल राहुल, केएल राहुल का विकेट मेरे को निकालना है। केएल राहुल हमेशा हमारे अगेंस्ट रन बनाता है, मैं आज इसको आउट करना चाहता हूं, जेन्युइनली आउट करना चाहता हूं। गाइस आप लोग मुझे बताओ कि नेक्स्ट ओवर हम किस बॉलर से करवाएं, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप किस बॉलर को बॉलिंग करते देखना चाहते हो अगले ओवर में कोलकाता के लिए। सिंगल के साथ ओवर होगा खत्म, एक अच्छा ओवर सुनील नारायण का
एक विकेट मिला हमें और 3 रन आए इस ओवर से। और आंद्रे रसल आ चुके हैं अब दोबारा से सामने होंगे इस बार फिर से केएल राहुल। ओ ये बढ़िया गेंद आंद्रे रसल की V21। हेलो गीत भाई आ रहा हूं आज तो सारे तेरे साथ खेलूंगा तू ये मैच खेल ले मैं तब। ओके मैसेज डिलीट कर दिया आपने शायद V21 ब्रो। स्ट्रीम के बाद हम दोनों आज साथ में खेल सकते हैं, मैं खुद से बोल रहा हूं, स्ट्रीम के बाद कनेक्ट कर लेंगे और साथ में फिर उसके बाद खेलते हैं हम दोनों। सो गाइज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कोलकाता और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में से आप आज किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो। और रात को होने वाला है बड़ा मुकाबला मुंबई वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, धोनी वर्सेस रोहित शर्मा, एक बड़ा मुकाबला हम लोग खेलने वाले हैं इस मैच के बाद। तो आप लोग कहीं बन जाइएगा मेरे साथ बने रहना क्योंकि उस मैच में आने वाला है फिर मजा। आंद्रे रसेल एक बार फिर से ओवर द विकेट, सामने है इस बार देवदत्त पाडिकल, हल्की सी लेग स्टंप पे ये गेंद, हल्के हाथों से खेलकर मिलेगा सिंगल। और जब से हमने विकेट निकाला है उसके बाद से बाउंड्रीज आनी कम हो गई हैं क्योंकि इससे पहले बहुत बाउंड्रीज आ रही थी। लगातार बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग हो रही है यहां पे, एक बाउंसर मार के मारने का मन है। ओ सिंगल मिल जाएगा और इसी के साथ ये ओवर खत्म। 4 रन आए इस ओवर से और 8 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर हो चला है 65 रन। भाई आई एम रेडी नाउ ब्रो, अभी तो मैं नहीं खेल सकता आपके साथ, अभी मैं स्ट्रीम कर रहा हूं, आप बात को समझो, स्ट्रीम के बाद हम खेल लेंगे। ओ ये बढ़िया गेंद कहां से निकली, कहां चली गई थी गेंद, गायब हो गई थी हवा में। स्ट्रीम के बाद मैं आपके साथ खेलूंगा। सुनील नारायण का पहला ओवर गया था थोड़ा सा एक्सपेंसिव और उसके बाद अच्छी वापसी की है यहां पे सुनील नारायण ने। क्यों पर ड्यूरिंग स्ट्रीम क्यों नहीं वाई वाई ब्रो, स्ट्रीमिंग के टाइम पे नहीं, स्ट्रीमिंग के टाइम पे सिर्फ स्ट्रीमिंग और आईपीएल के मैच ही होंगे। ओ ये खराब गेंद और केएल राहुल का एक शानदार फ्लिक इस बीच और 6 रन मिले हैं यहां पर। ये बढ़िया शॉट और पूरे 6 रन। ब्रो मल्टीप्लेयर गेम खेलने से पहले एक बार मेरे को टेस्टिंग करनी है, हमने एक बार अभी तक कनेक्ट भी नहीं किया है तो मल्टीप्लेयर गेम खेलने से पहले एक बार साथ में कनेक्ट करेंगे, समझेंगे कंसेप्ट को कि कैसे कनेक्ट होता है, कैसे खेलना होता है और उसके बाद खेलेंगे। तो आज सुबह मैंने आपको मैसेज किया था, वो तभी किया था, नाइट नहीं किया कृष्ण शर्मा इग्नोर, नहीं ब्रो इग्नोर नहीं किया है, नाइट में तक ही चलेगी आज हमारी स्ट्रीम, आज रात तक चलेगी हमारी स्ट्रीम क्योंकि रात को हम खेलने वाले हैं धोनी वर्सेस रोहित शर्मा, चेन्नई वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच होने वाला है रात का हमारा मैच। और ये देखो आरसीबी सपोर्टर्स फॉरएवर, सो आरसीबी का मैच नहीं है आज लेकिन मैंने आज भी आरसीबी की टी शर्ट डाली हुई है। आंद्रे रसेल आ चुके हैं अपने 3रे ओवर के साथ, सामने है देवदत्त पाडिकल और सीधा फील्डर के हाथों में कोई रन नहीं। तो कृष्ण भाई रात तक करेंगे हम स्ट्रीम, आज थोड़ा सा जल्दी मैंने स्ट्रीम स्टार्ट कर दी है पर हम रात तक करेंगे स्ट्रीम।
ये हल्के हाथों से खेल दिया है फाइन लेग की तरफ, कीपर बॉल के पीछे, रोक पाएंगे, रोक लिया है पर दो रन बचा लिए। कृष्ण शर्मा, रोहित शर्मा बोलने की आदत लगी हुई है रोहित शर्मा बोलने की आदत लगी हुई है। अच्छा, ओह ये पुल करने की कोशिश वहां पर पार्टिकल की और सिंगल मिलेगा एक बार फिर से। केएल राहुल का विकेट मुझे चाहिए, धोनी वर्सेस हार्दिक बोलना चाहिए भाई, हम धोनी वर्सेस रोहित शर्मा ही बोलेंगे क्योंकि पांड्या अभी कैप्टन बन चुका है पर स्वीकार नहीं हो रहा, दिल को स्वीकार नहीं हो रहा। और इस बीच यहां पर तीसरा छक्का मारा है मेरे को केएल राहुल ने और शानदार सिक्स, और इसी के साथ 50 रन भी पूरे हो चुके हैं केएल राहुल के 34 बॉल्स पे, 6 चौके और 3 छक्कों के मदद से। और बैक टू बैक यार केएल राहुल ने मेरे अगेंस्ट तीसरे 50 बनाए हैं। और इबट अब अटैकिंग खेलेगा, ये 158 का स्ट्राइक रेट, बिल्कुल भाई 158 का स्ट्राइक रेट के साथ मार रहा है ये। और भाई इग्नोर मत करो, ऊपर कमेंट की है पढ़ो भाई, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं। मैं यही बोल रहा हूं कि स्ट्रीम पे मैं मल्टीप्लेयर नहीं खेल सकता अभी के लिए, स्ट्रीम पे हम, ओ बच गया यार ये कैच आउट होने से बच गया। मैं आपको स्ट्रीम के बाद कनेक्ट करूंगा, स्ट्रीम के बाद एक बार हम खेल के देखेंगे साथ में, अगर सही गया गेम तो उसके बाद कल से आप स्ट्रीम में भी आ सकते हो मेरे साथ, मैं कर लूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी तक उसका टेस्टिंग भी नहीं हुआ, उसका टेस्ट भी नहीं किया है हमने कि कैसे कनेक्ट करना है, कैसे खेलना है और वॉइस कैसे कनेक्ट होगी, वो सारी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें एक बार देखनी पड़ेंगी। आरसीबी जर्सी भाई, क्योंकि भाई हम आरसीबी सपोर्टर्स हैं फॉरएवर, तो इसलिए हमने डाली हुई है आरसीबी की जर्सी। और ये देखो 3 छक्के हमारे यहाँ पर केएल राहुल मार चुका है, ये स्कोर बनाया है उसने 35 बॉलों पे 55 रन। और नारायण को अभी हम रेस्ट देते हैं, हम बॉलिंग पे लेके आने वाले हैं वरुण चक्रवर्ती को ले आए हैं हम बॉलिंग अटैक पर। पहली गेंद वरुण चक्रवर्ती की, बड़ा शॉट केएल राहुल खेलने गए पर नाकाम। अरे भाई थोड़ा समझ, लाइव में ही मजा आएगा कि लोगों, यार आप टेंशन समझ नहीं रहे हो ब्रो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि उस चीज की टेस्टिंग नहीं हुई है, नहीं पता है अभी कनेक्ट कब कैसे होगा, तो कनेक्ट नहीं कर सकते तो अभी लाइव स्ट्रीम करने का कोई फायदा नहीं है। मैं मैच के बाद आपसे कनेक्ट करूंगा, उसके बाद खेलेंगे। कृष्ण शर्मा एक बात बताओ, अगर विराट आरसीबी लेफ्ट कर दे तो किस टीम में चला जाए, तो किसको सपोर्ट करोगे? आरसीबी ब्रो, आरसीबी, मैंने विराट कोहली की वजह से आरसीबी को सपोर्ट करना स्टार्ट नहीं किया था, मैंने आरसीबी को सपोर्ट करना स्टार्ट किया था राहुल द्रविड़ की वजह से। राहुल द्रविड़ आइडल रहे हैं मेरे काफी टाइम तक, फिर उसके बाद एबी डिविलियर्स और फिर विराट कोहली भी थे, तो आरसीबी को सपोर्ट ही करेंगे हम। पर हमें पता है विराट कोहली कहीं नहीं जाने वाले, विराट कोहली आरसीबी के लिए ही खेलेगा अभी। ओ एज और गैप में मिलेंगे पूरे 4 रन, नहीं बच गया, कि बच गया 2 रन, ओ आउट, ये तीसरे रन के लिए जा रहे थे देवदत्त पाडिकल और इसी बीच हमें मिल चुका है एक और विकेट। ये तीसरे रन के लिए गए थे और शानदार थ्रो वहां पर फील्डर की और विकेट मिल चुका है हमें, फिल साल्ट का शानदार रन आउट यहां पर और बढ़िया थ्रो भी फील्डर की। मिस्टर 360 भी नहीं जीता पाया थोड़ा हा, हेडफोन्स क्या बोल रहे हो?
और अब बैटिंग के लिए आ चुके हैं दीपक हुड्डा यहां पर बैटिंग के लिए आ चुके हैं और वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर से तैयार। ओ सिंगल मिलेगा दीपक हुड्डा को। हेडफोन कौन से हैं भाई? हेडफोन नॉर्मल से ही है, मेरे को नाम भी नहीं पता, ऑनेस्टली नाम भी नहीं पता, बहुत साल पहले लिए थे, जी से कुछ नाम है तो मेरे को आइडिया नहीं है हेडफोन कौन से हैं, पर आई होप आवाज सही आ रही होगी, मतलब ब्रेक नहीं हो रही होगी मेरी आवाज, पर मेरे को लिटरली नाम भी नहीं पता कि कौन से हेडफोन है, कोई नॉर्मल से ही हेडफोन है, कोई एज सच बड़ा ब्रांड नहीं है, पर नॉर्मल से ही हेडफोन है, ये नाम भी मेरे को नहीं पता, पर यहाँ पे मेरे ख्याल से जी का लोगो कुछ बना हुआ है। अगली गेंद आंद्रे रसल की आखिरी ओवर, अपने स्पेल का आखिरी ओवर डालने जा रहे हैं, अभी तक विकेट नहीं मिला है, 26 रन दे चुके हैं 3 ओवर में और यहां से देखना होगा आरसीबी की सॉरी कोलकाता की टीम किस तरीके से बैक करती है, क्योंकि यहां पे रन ठीक ठाक बनाए हैं लखनऊ ने, 2 विकेट गंवाए हैं और केएल राहुल जमे हुए हैं, तो बड़ा स्कोर बन सकता है टीम लखनऊ के लिए। इन स्विंग डालते हैं, चलो एक ये उतना ही खूबसूरत पंच मारा है और कोई रन नहीं। अब इस बार आउटस्विंग, सामने है केएल राहुल, पंच किया है लेग साइड में, अच्छा खराब, ये खराब बॉल डल गई, फ्लिक किया है इस बार फिर से, मिलेगा सिंगल, सिंगल सिंगल डबल सिंगल डबल चल रहा है। लेग कटर डाल के नहीं, कोशिश करते हैं एक और, एक और बड़ा शॉट, इस बार आउट, फाइनली केएल राहुल का विकेट मिल चुका है गाइस हमें, यस आंद्रे रसल ने अपने आखिरी ओवर में दिला दिया है विकेट और झटका दिया है यहां पर, एक बड़ा झटका लखनऊ सुपर जायंट्स को कोलकाता नाइट राइडर्स ने और विकेट यहां पर मिल चुका है लखनऊ की टीम को। ओ ये बड़ा शॉट, ओ भाई स्टोइनिस क्लीन बॉल होने से बच गया, मिस कर गया यहां पे स्टोइनिस। देखो वरुण चक्रवर्ती की बढ़िया गेंद और बाल बाल बचे वहां पर स्टोइनिस, ओ यार एज पे एज लग रहा है इसके तो, खुश वहां पर मिचेल स्टार्क बॉलिंग से, वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग से, पर और इस बीच रिवर्स स्वीप मारा है और गैप में भी मार्कस स्टोइनिस किस थिंकिंग के साथ आया भाई, आते ही मतलब बड़ा शॉट और 4 रन,
वो भी रिवर स्वीप का। अटैकिंग खेलने के मूड से आए हैं यहां पर वरुण स्टॉइनिस। तो ये पंच किया है कवर्स की तरफ इस बार और सिंगल मिलेगा। ओ ये बढ़िया गेंद, कुछ नया कब ट्राई करोगे, क्या नया ट्राई करना है कृष्ण भाई बताओ, क्या नया देखना चाहते हो, क्या नया ट्राई करें आप बताओ, नया ट्राई करते हैं। बॉलिंग अटैक पर किसको लेके आए, कौन और बॉलर है, वरुण अरोड़ा, एक मैच में 3 विकेट लिए हैं 31 रन देके, वैभव अरोड़ा सॉरी, और बॉलिंग अटैक पर आ चुके हैं, देखते हैं क्या करते हैं। ये पहली गेंद और मार्कस स्टॉइनिस ने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेल दिया है। अलग गेम्स ब्रो, अलग गेम्स हम खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे, अलग गेम्स भी खेलेंगे, पर जब तक आईपीएल चल रहा है तब तक तो सिर्फ आईपीएल ही रहेगा, क्रिकेट के गेम्स ही रहेंगे, कंटिन्यूसली आईपीएल की हम स्ट्रीमिंग करेंगे, और जब ऑडियंस बोलेगी कि हम और गेम्स भी खेलें तो बिल्कुल और गेम्स भी खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे, पर अभी सिर्फ क्रिकेट खेलेंगे जिस दिन क्रिकेट के मैच होंगे। सिंगल मिलेगा दीपक हुड्डा को, पर स्टॉइनिस ने एकदम से आके माहौल चेंज कर दिया है, जो प्रेशर बिल्ड किया था, ऑडियंस बोल तो रही है भाई तो अकेला बोल रहा है, जो प्रेशर बिल्ड किया था यहां पर कोलकाता ने लखनऊ के ऊपर, स्टॉइनिस वो बिल्कुल प्रेशर नहीं कैरी करने वाले भाई, आते ही बड़े शॉट मारने की ट्राई हो रही है यहां पे मार्कस स्टॉइनिस के, तो आते ही 2 चौके मार चुके हैं और हर एक बॉल पे मतलब बड़ा शॉट लगाने की ट्राई हो रही है, ये देखो हर एक बॉल पे बड़ा शॉट मारने की कोशिश हो रही है। इस बार कवर्स की ऊपर अब सिंगल मिलेगा। आई एम विद CSK ऑलवेज, ओके ब्रो ओके नाइस, अगर आप CSK के साथ हैं तो। ओ बड़ा शॉट इस बार दीपक हुड्डा का और गैप में भी 4 रन, एक और बाउंड्री यहां पर मिलती हुई। सामने की तरफ स्वीप किया है, सिंगल मिलेगा इस बार। आज आलिया कहां गई, आलिया आने वाली है थोड़ी बहुत देर में, आ जाएगी, आप वेट करो भाई। ये स्ट्रीम एलिमेंट्स वाले हर एक स्ट्रीमिंग पर होते हैं, ये कौन है ब्रो, ये एक चैट बोट है, आप अपनी स्ट्रीम पे भी ऐड कर सकते हो, स्ट्रीम एलिमेंट्स की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे चैट बोट होते हैं, ये अपने आप मैसेज आते रहते हैं, फिर आपके आप अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको स्ट्रीम एलिमेंट्स के साथ लिंक कर दो और ऐड कर लो आप अपने हिसाब से, आप कौन से मैसेज चाहते हो, किसका कोई रिप्लाई। ओ ये बड़ा शॉट और मार्कस स्टॉइनिस का 6 रन, शानदार स्लॉग स्वीप यहां पर 6 रन। ये इसके कजन है बिल्कुल, स्ट्रीम एलिमेंट्स वाले मेरे कजन है पर यहां पर मार्कस स्टॉइनिस ने इस बीच में उठाकर खेल दिया है एक बड़े 6 के लिए। मार्कस स्टॉइनिस ने आग लगा दी है आते ही ग्राउंड पर, चारों तरफ शॉट्स मारना स्टार्ट कर दिया है और 6 रन भी यहां पर लगा दिए आते ही। अगली गेंद दीपक हुड्डा सामने, इस बार दीपक हुड्डा और गैप में और मिलेंगे 4 रन।
थैंक्स ब्रो, थैंक्स करता हूँ, बिल्कुल, यू आर वेलकम। अच्छा शॉट और चार रन मिले वहां पर। और इस बार दीपक हुड्डा का स्लॉग स्वीप और एक और चार रन। अटैकिंग बैटिंग हो रही है लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। बैक टू बैक बाउंड्रीज इस ओवर से आती हुई, तीसरा चौका इस ओवर का, तीसरी बाउंड्री, दो चौके और एक सिक्स लगाया था वहां पर स्टॉइनिस ने। महंगा ओवर यहां पर वरुण ओवर चक्रवर्ती तो कर सकते हैं बॉलिंग, पर चलो ठीक है, वरुण चक्रवर्ती को ही कराते हैं। सामने है स्टॉइनिस और इस बार लेग साइड में और एक और छह रन। भाई स्टॉइनिस, व्हाट इज दिस बिहेवियर? ओके, तेरा स्ट्रीम होने के बाद करेंगे हम, यू नो व्हाट आई मीन, मैच और बट नॉट आईपीएल, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ब्रो कर लेंगे स्ट्रीम के बाद, हम कनेक्ट कर लेंगे स्ट्रीम के बाद, हम खेल लेंगे, नो इश्यू। ओ ये पंच एक बार फिर से, तो इस बार लेग साइड में खेला है, फाइन लेग की तरफ, मिलेगा सिंगल ही। 16वां ओवर चल रहा है, लखनऊ का स्कोर हो चला है 133 रन तीन विकेट के नुकसान पर। ये बढ़िया कवर ड्राइव और बाय बाय, सी यू टुनाइट एट द मैच, बाय ब्रो, बाय। ये स्लोअर बॉल डाली इस बार वैभव अरोड़ा ने। ये दीपक हुड्डा का छह, अटैकिंग बैटिंग हो रही है यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। एक और बड़ा शॉट और एक और छह रन यहां पर। बैक टू बैक सिक्सेस, वरुण चक्रवर्ती को रेस्ट देते हैं, बॉलिंग पर लेके आते हैं हम मिचेल स्टॉक को, हम कराएंगे राउंड द विकेट। बॉल देखो पुराना हो चुका है और राउंड द विकेट हम बॉलिंग कराएंगे। ओ ये बढ़िया इन स्विंग कराई थी मैंने, पर अरे ज्यादा ही कटर हो गया, पर बाउंड्रीज रोकनी होंगी मिचेल स्टॉक को। और मार्कस स्टॉइनिस का इस बार फ्लिक, एक और छह रन। मार्कस स्टॉइनिस ने तो आते ही मतलब बैंड सी बजा दी है हमें, बड़े बड़े सिक्स मार रहे हैं और एक और छह रन इस बार मार्कस स्टॉइनिस का लेग साइड में फ्लिक कर दिया है छह रन के लिए। ये यॉर्कर की ट्राई, पर यॉर्कर तो नहीं लगी। सिंगल मिलेगा इस बार फिर से और
लखनऊ के 150 रन पूरे हो चुके हैं 17 ओवर के बाद इस सिंगल के साथ ही। वेट करो यार, वरुण अरोड़ा, हर्ष राणा को लेके आते हैं बॉलिंग पर। हर्षित राणा आ चुके हैं बॉलिंग अटैक पर। ये वाइड, पहली ही गेंद वाइड हो गई। ये अच्छी गेंद और क्रॉस सिम डाल के देखते हैं। सामने की तरफ खेल दिया है इस बार दीपक हुड्डा ने, सिंगल मिलेगा यहां पर। V21 भाई, क्या मैं स्ट्रीम एलिमेंट्स मेरे लाइव चैट में शो नहीं हो रहे मैसेज लिंक करके भी? ब्रो स्ट्रीम जब स्टार्ट करोगे उसके बाद शो होंगे और मैसेज ऐड करने पड़ते हैं आपको। ओ एज पर कैरी नहीं हुई शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ और बार बार बचे वहां पर मार्कस स्टॉइनिस। सो आपको मैसेजेस ऐड करने पड़ते हैं खुद से, खुद आपको मैसेजेस लिखने पड़ते हैं, वो आप लोग लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो। चैट बोर्ड में जाओ, टाइमर्स वहां पे ऑप्शन होगा, वहां पे जाके आप लोग ऐड कर सकते हो। और विकेट, 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 अरे यार कैच आउट है ये, यार ये कैच आउट नहीं है, बैट के लगा और कीपर के पास चली गई बॉल सीधा, ये आउट क्यों नहीं दिया अंपायर ने? देखते हैं हर्षित राणा की ये बॉल और अच्छा नीचे लग गए यार। बैट के लगी, फिर नीचे लगी और फिर कीपर के पास गई, और मेरे को लगा था कि एक बार ये सीधा ही विकेट बॉल जो है वो कीपर के पास गया, पर ऐसा नहीं है और नॉट आउट का फैसला यहां पर अंपायर का। अगली गेंद, ओ ये बढ़िया यॉर्कर, मिचेल स्टार्क आ चुके हैं 19वें ओवर के साथ। ओ ये बढ़िया यॉर्कर मिचेल स्टार्क की वहां पर। फाइन लेग मेरे को लेना चाहिए क्या पीछे की तरफ, क्योंकि हाँ ये फील्डिंग ठीक है, ये ठीक है। एज और विकेट, विकेट अंपायर, यस विकेट यहां पर मिल चुका है और बड़ा विकेट यहां पर मिला है मार्कस स्टॉइनिस का। मिचेल स्टार्क ने यहां पर छटका दिया है, ये बड़ा शॉट खेलने गए और क्या डाइव लगाते हुए सॉल्ट ने शानदार कैच पकड़ा है वहां पर। मार्कस स्टॉइनिस को जाना होगा वापस, 37 रन बनाकर गए 23 बोलों पे, दो छक्के और तीन छक्कों की मदद से, और बैटिंग के लिए आ चुके हैं अब निकोलस पूरन। ओ ये बढ़िया गेंद, अंपायर ने डक किया और सिंगल मिल जाएगा यहां पर, डन ब्रो हो गया, बढ़िया ब्रो बढ़िया। ओ ये दीपक हुड्डा ने उठा दिया है हवा में और 6 रन के लिए,
दीपक हुड्डा अभी भी क्रीज पर हैं, जो कि बड़े शॉट्स लगा सकते हैं और उन्होंने दिखा दिया एक बड़ा शॉट और पूरे 6 रन। एक बार फिर से दीपक हुड्डा हवा में ये गेंद और 6 रन बैक टू बैक सिक्सेस। मिचेल स्टार्क के लंबे लंबे छक्के मार रहा है यार। ब्रो मैं कोलकाता के सत्र तरफ से खेल रहा हूं ये मैच, एज ए कोलकाता की टीम ये मैच खेल रहा हूं मैं। ओ भाई इस बार लेग साइड में और एक और बाउंड्री। क्या बैटिंग हो रही है दीपक हुड्डा की, लगातार बड़े बड़े शॉट्स और 4 रन। इस बार लेग साइड में खेला है और एक और बाउंड्री यहां पर मिलती हुई। पिछले ओवर में बहुत रन आए, दीपक हुड्डा पहुंच चुके 45 रन पर 21 बॉलों पे केवल। निकोलस पूरन सामने और आखिरी ओवर में देखना होगा कि किस तरीके से बैटिंग करते हैं दीपक हुड्डा, जो कि बढ़िया बैटिंग कर रहा है दीपक हुड्डा इस टाइम पे। बाउंड्री नहीं देनी है, बाउंड्री नहीं देनी है बोला था और पहली बॉल पे दीपक हुड्डा ने मार दी है बाउंड्री। यॉर्कर बॉल डाली मैं थी मैंने और दीपक हुड्डा थे तैयार एक बड़ा शॉट खेलने के लिए। ये मैंने यॉर्कर डाली थी पर वो फुल टॉस बना ली उसने और फ्लिक कर दिया है मिड विकेट की तरफ, मिलेंगे पूरे 4 रन। कमाल की बैटिंग हो रही है यहां पर दीपक हुड्डा के। इस बार ऑफ स्टंप और ये सीधा विकेट, यस। सो फाइनली डेंजरस दीपक हुड्डा भी गए हैं आउट। कृष्ण शर्मा हेलो, हेलो ब्रो। सीधा फील्डर के हाथों में और रघुवंशी वहां पर मौजूद थे। दीपक हुड्डा 49 रन बनाकर आउट, एक शानदार बैटिंग करके गए अपनी टीम के लिए। और अब बैटिंग पर आ चुके हैं कुणाल पांड्या। कृष्ण शर्मा आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, केकेआर या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स? आउट 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 अंपायर आउट आउट, यस। बैक टू बैक दूसरा विकेट यहां पर कुणाल पांड्या को भी आते ही विकेट ले लिया हर्षित राणा ने। ये शानदार यॉर्कर लेंथ बॉल यहां पर, तो यॉर्कर डाली है ब्रो हमने, ये देखो यॉर्कर डाली, बड़ा शॉट खेलने गए और सीधा पैड पे कुणाल पांड्या डक पर आउट। और हैट्रिक बॉल हो गई है अब हर्षित राणा की। क्या हम आईपीएल की पहली हैट्रिक ले सकते हैं, इस गेम की पहली हैट्रिक ले सकते हैं? मैंने अभी तक कोई हैट्रिक नहीं ली है। और रवि बिश्नोई आ चुके हैं अब नहीं नहीं हो पाई हैट्रिक, नहीं हो पाई। आखिरी बॉल इस इनिंग की और सिंगल के साथ रवि बिश्नोई ने किया है। और क्या शानदार ओवर रहा है, 6 रन दिए सिर्फ इस ओवर में और खूबसूरत बॉलिंग रही हर्षित राणा की। देखो यॉर्कर डाली थी मैंने सारी, ठिकाने पे पड़ी 2 यॉर्कर और हमें मिल चुके हैं 2 विकेट। और इसी के साथ लखनऊ का खत्म हो चुका है, लखनऊ की इनिंग्स खत्म हो चुकी है और जिन्होंने बनाए हैं 176 रन, लखनऊ ने बना दिए हैं 176 रन। और रवि बिश्नोई सॉरी दीपक हुड्डा और मार्कस स्टोइनिस ने शानदार बैटिंग की जिसकी बदौलत लखनऊ ने ये स्कोर बना दिया। 50 रन बनाए थे उससे पहले कप्तान केएल राहुल ने, पर शानदार बैटिंग रही यहां पर लखनऊ की और हमें जीतने के लिए बनाने हैं 177 रन। कोलकाता को अपने होम ग्राउंड पे ये मैच जीतने के लिए बनाने हैं 177 रन। इस तरीके से मैच रहेगा
देखना होगा अब। तो ये इस इनिंग की हाइलाइट्स आप लोग देख सकते हो और अब हम बैटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। कोलकाता की ये रहा स्कोर कार्ड, क्विंटन डिकॉक ने बनाए 19, केएल राहुल ने बनाए 57, दीपक हुड्डा 49 रन की पारी खेल के गए 23 बॉलों पे और 23 बॉलों पे मार्कस स्टोइनिस ने बनाए 37 रन। और बॉलिंग भी दिखा देता हूं मैं, बॉलिंग में एक विकेट मिला माचल स्टार्क को, दो विकेट मिले हर्षित राणा, उसके बाद एक नारायण, एक रसल और वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा को कोई विकेट नहीं मिला है। और अब बैटिंग के लिए आ चुकी है कोलकाता की टीम। सुनील नारायण और सॉल्ट करेंगे बैटिंग स्टार्ट और फेस करेंगे यश ठाकुर को। पहली गेंद फेस करेंगे सॉल्ट और सुनील नारायण जो कि अटैकिंग बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। पहली गेंद सॉल्ट ने कवर ड्राइव के साथ शुरुआत किया है, एक बाउंड्री के साथ शुरुआत करी है और 4 रन यहां पर मिल चुके हैं। ये बढ़िया शॉट सॉल्ट का, पहली ही गेंद और खूबसूरत 4 रन। शुरुआत करिए एक चौके के साथ अपने होम ग्राउंड पर, कोलकाता को यह मैच जीतना बेहद इंपॉर्टेंट। अगली गेंद इस पार थर्ड मैन की तरफ, शॉट पीछे गेंद थी और थर्ड मैन की तरफ खेल दिया है उसको, एक हल्का सा लॉट लेट कट टाइप शॉट था ये कोई, और 4 रन मिलते हुए वहां पर बैक टू बैक बाउंड्रीज के साथ शुरुआत हो गई है। आलिया हेलो, तो कृष्ण पूछ रहा था आलिया के बारे में और आलिया आ चुकी है चैट में। हेलो आलिया, वेलकम टू द स्ट्रीम, आपके फैन बन चुके हैं हमारी स्ट्रीम। कृष्ण पूछ रहा था आपके बारे में कि आप मैच में क्यों नहीं आए आज। ओ ये सीधा फील्डर के हाथों में, एक 170 रन का टारगेट दिया है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। ओ भाई बढ़िया फील्डिंग, डाइव लगा के अपनी टीम के लिए रन बचाए वहां पर। ओ इस बार सामने की तरफ खेल दिया है 6 रन के लिए, लंबा हिट यहां पर देखने को मिला है सॉल्ट के बल्ले से, बढ़िया सिक्स, एक शानदार छक्का। शुरुआत हो चुकी है, एक बड़े ओवर के साथ शुरुआत करी है यहां पर कोलकाता की टीम ने और जोसेफ आ चुके हैं अब बैटिंग पर, फेस करेंगे सुनील नारायण जो कि अटैकर हैं भाई। पहली गेंद इन स्विंग और समझ नहीं पाया, मैं बैकफुट पंच के लिए खेलने जा रहा था पर समझ नहीं पाया। इस बार फ्लिक कर दिया है और सुनील नारायण ने भी खोल दिया है खाता एक खूबसूरत 4 रन के साथ, बढ़िया फ्लिक किया और बाउंड्री मिली है वहां पर सुनील नारायण को। ये देखो बढ़िया शॉट और मिलेंगे पूरे 4 रन।
ओ भाई ये बॉल कहां से गई, बॉल मेरे को लगा वाइड नहीं है, ये मेरे को लगा बॉल स्टंप्स पे लग गई, अब कहां को चली गई ये बॉल, बॉडी पे भी नहीं लगी। ओ ये एक और वाइड, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश वहां पर, सुनील नारायण कीपर नाकाम। ऑन साइड पर खेला है इस बार, कोई रन नहीं। एक बार फिर से हेलो ओ भाई क्या स्विंग हुआ ये बॉल, जोसेफ का शानदार बॉलिंग, बाउंड्री उसके बाद वाइड वाइड और एक अच्छा स्विंग देखने को मिल रहा है अब जोसेफ की गेंदबाजी से। ये मिसफील्ड और चार रन, सो ओवर की समाप्ति यहां पर नारायण ने की है एक बढ़िया चौके के साथ और चार रन यहां पर मिल चुके हैं। ये बढ़िया शॉट और खराब फील्डिंग वहां पर, कौन था फील्डर जो भी था खुश नहीं होंगे वहां पर, केएल राहुल ठाकुर आ चुके हैं दूसरे ओवर के साथ, पहले ओवर में दिए थे 14 रन और अब देखना होगा। शुरुआत अच्छी यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स को मिल चुकी है, 24 रन बना लिए हैं सॉल्ट और नारायण ने बिना कोई विकेट के। उस फील्डर नशे में था क्या भाई, सही में ये फील्डर बिल्कुल ही नशे में था। इस पर सॉल्ट ने लेग साइड में खेल दिया और एक और चार रन, बाउंड्रीज रोकनी होंगी लखनऊ सुपर जायंट्स को अगर ये मैच जीतना है तो, पर जिस तरीके से बैटिंग हो रही है यहां पर मुश्किल लग रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, क्योंकि कोलकाता के जो ओपनर हैं ये दोनों, ये बड़े बड़े स्कोर मारने में माहिर हैं, तो बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं यहां पर कोलकाता के लिए। ओह एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रही थी मैंने लेग साइड में, मेरे को लगा फील्डर है ऊपर है सारे, ऊपर से मारता हूं पर ना मिस कर गया। किसकी तरफ से खेलोगे आज भाई, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं मुंबई की तरफ से खेलूं या धोनी की तरफ से खेलूं, मैं बस सोच रहा हूं धोनी की तरफ से खेलता हूं आज एज ए सीएसके खेलते हैं या फिर किसकी तरफ से खेलूं, मुंबई की तरफ से खेलें या सीएसके की तरफ से खेलें, आप बताओ कौन सी टीम को सपोर्ट करोगे आज, वो पहले वोट करो, वोटिंग लाइन के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी टीम को एज ए कौन सी टीम खेलें, मुंबई खेलें या सीएसके खेलें। अगला मैच मुंबई वर्सेस सीएसके खेलने वाले हैं गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो बने रहिएगा हमारे साथ। ये बढ़िया कवर ड्राइव नारायण का पर सीधा फील्डर के हाथों में श्यामर जोसेफ। नारायण भाई लेग साइड पूरा खाली दे रखा है मेरे को देखना, लेग साइड पूरा खाली दे रखा है, लेग साइड में मारूंगा, ये लेग साइड खाली दे रखा था और नारायण ने उसका पूरा फायदा उठा दिया है वन बाउंस चौके के साथ। खाली दिया हुआ था इन्होंने तो मैं रिस्क ले सकता था और मैंने रिस्क ले लिया और बढ़िया शॉट वहां पर सुनील नारायण का, एक चार रन। केएल राहुल नाखुश वहां पर और 32 रन हो चुके हैं केकेआर के। इस पार कट किया है और एक और चार रन, बैक टू बैक बाउंड्रीज यहां पर सुनील नारायण के बल्ले से आती हुई, ये बढ़िया शॉट और एक और चार रन। सीएसके एज ए सीएसके खेलो,
अच्छा देखते हैं ब्रो। पर यहां पे सुनील नारायण यहां पर एक अलग ही अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं और बैक टू बैक बाउंड्रीज निकाल रहे हैं अपनी टीम के लिए। ये देखो ये खूबसूरत लेट कट, थर्ड मैन का फील्डर थोड़ा सा वाइड और कोई मौका नहीं लगाता तीसरी बाउंड्रीज ओवर की। और अब केएल राहुल आए हैं अपने बॉलर से कुछ वार्तालाप करने के लिए, कुछ समझा रहे हैं क्योंकि लगातार तीन बाउंड्रीज यहां पर आ चुकी हैं। ओ एक बार फिर से कट करने की कोशिश की वहां पर सुनील नारायण ने, पर इस बार नाकाम। क्योंकि तुम सीएसके की तरफ से खेलोगे तो मुंबई जीतेगी। ओके देखते हैं, इस बार फिर से कट कर दिया और क्या ये फिर बाउंड्री पे जाएगी, रोक लिया। और एक एक्सपेंसिव ओवर यहां पर जोसेफ का समाप्त हुआ, 14 रन आए इस ओवर से। ठीक है कोई बात नहीं, हम एज ए सीएसके ही खेलेंगे आज। और मोजीन खान आ चुके हैं यहां पर अब बॉलिंग कर, सामने है साल्ट सुनील नारायण, दोनों जोड़ चुके हैं 42 रन बिना किसी विकेट के। साल्ट ने इस बार कवर्स की तरफ खेल दिया है, फील्डर बॉल के पीछे, 2 रन मिल जाएंगे यहां पर हमें आसानी से। ठीक है एज ए सीएसके खेलते हैं आज, एज ए थाला हम लोग खेलेंगे आज। और इस बार सामने की तरफ बड़ा शॉट खेलने गए और साल्ट यहां पर विकेट। मेरे को था कि पावर प्ले का फायदा उठा लेता हूं, एक बड़ा शॉट मार लेता हूं, स्टेप आउट करके एक बड़ा शॉट खेलने गए और सीधा मिड ऑन के फील्डर में आप हाथों यहां कैश थमा बैठे हैं। और पहला झटका यहां पर लग चुका है कोलकाता की टीम को, फिल साल्ट बनाकर 20 रन बनाकर आउट। बैटिंग पर लेके आने वाला हूं श्रेयस अय्यर को, श्रेयस अय्यर आ चुके हैं कप्तान, श्रेयस अय्यर बैटिंग पर। ओ बढ़िया फील्डिंग, फ्लिक कर दिया है मिड विकेट की तरफ, सिंगल के साथ खाता खोलेंगे वहां पर श्रेयस अय्यर। और नारायण दूसरी तरफ जमे हुए हैं, ये बढ़िया गेंद और कंप्लीटली बीट हुए। ये बढ़िया शॉट और 4 रन, तो ओवर की समाप्ति यहां पर नारायण ने कर दी है एक कवर ड्राइव के साथ और मिलेंगे पूरे 4 रन। ये खूबसूरत कवर ड्राइव और केएल राहुल बहुत दूर थे बॉल से, पीछा किया पर रोक नहीं पाए। 5 ओवर के बाद केकेआर का स्कोर हो चला है 49 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अय्यर अब सामने है जोसेफ के, जोसेफ को चेंज नहीं कराया अभी भी क्योंकि शायद केएल राहुल को लगता है कि वो अभी भी विकेट निकाल सकते हैं, तो शायद इसी वजह से चेंज नहीं कराया जोसेफ को। ओ विकेट, और किसका मिला है विकेट, केएल श्रेयस अय्यर का, लेट कट किया और कैच समा बैठे वहां पर सीधा थर्ड मैन में और शानदार कैच पकड़ा है वहां पर, शायद इसीलिए केएल राहुल ने अभी भी लगा के रखा था जोसेफ को। और एक और बड़ा झटका यहां पर लग चुका है श्रेयस अय्यर के रूप में कोलकाता नाइट राइडर्स को। बैटिंग पे आएंगे अब वेंकटेश अय्यर आ चुके हैं बैटिंग पर। पहली गेंद पुल किया है
फाइनल लेग की तरफ दो रन मिल जाएंगे यहां पर। शेष अय्यर गए, वेंकटेश अय्यर आ गए हैं, तो अय्यर के आउट होने के बाद ही अय्यर वापस आ चुके हैं बैटिंग पर। सीधा केएल राहुल के हाथों में, मिल कोई रन नहीं। जोसेफ ने झटका दिया है यहां पर, एक बड़ा झटका यहां पर कोलकाता की टीम को लगा है। कप्तान अय्यर एक रन बनाकर आउट। बढ़िया कवर ड्राइव पर सीधा मिड ऑफ के फील्डर के पास, और एक किफायती ओवर विकेट के साथ यहां पर निकाला है जोसेफ ने। और अब बॉलिंग के लिए कौन आ चुके हैं? खान आ चुके हैं दोबारा दूसरे ओवर के लिए। फुल टॉस, ये बॉल कवर की तरफ खेल दिया स्टॉइनिस बॉल के पीछे, दो रन मिल जाएंगे यहां पर नारायण को। ये अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद वहां पर खान की। ओह, ये बढ़िया फील्डिंग मार्कस स्टॉइनिस की। इस बार बड़ा शॉट खेलेंगे सुनील नारायण, यहां पर आउट। और खान ने दूसरा झटका यहां पर दे दिया है, मोहसिन खान भी यहां पर विकेट मिल चुकी है। और ये देखो, और भागते हुए क्या शानदार कैच पकड़ा है, एक बड़ा शॉट खेलने गए और कैच थमा बैठे वहां पर मार्कस स्टॉइनिस को। अंग्रेश रघुवंशी अब बैटिंग के लिए आ चुके हैं, जो आईपीएल का अपना पहला मैच खेल रहे हैं आज। पहली गेंद पर पुल किया है और बाउंड्री के साथ शुरुआत होगी। यह बढ़िया पुल पहली गेंद पर, शॉट पीछे गेंद थी और उसका पूरा फायदा उठाया रघुवंशी ने, और चार रन। तो तीन विकेट यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स के गिर चुके हैं। 120 रन चाहिए अब 79 बॉल्स पे। एक बार फिर से शॉट पीछे गेंद, इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है सिंगल के लिए। सात ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर हो चला है 58 रन सिर्फ। तीन विकेट मिल गिर चुके हैं यहां पर कोलकाता के। जोसेफ आ चुके अपने आखिरी ओवर के लिए। जोसेफ आ चुके हैं अपने आखिरी ओवर के लिए और रघुवंशी फेस करेंगे। ये बढ़िया लेट कट पर सीधा फील्डर के हाथों में। आईपीएल का पहला मैच खेल रहे हैं
रघुवंशी पर फुल कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं यहां पर। ओ नहीं 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 नहीं, सिंगल लेते तो यहां पर रिस्की हो सकता था गाइज, इसलिए हमने कोई रिस्क नहीं लिया, सिंगल नहीं लिया हमने। ये सीधा फील्डर के हाथों में, यह चौथा डॉट बॉल इस ओवर का। पहला दो ओवर एक्सपेंसिव गए थे जोसेफ के, पर उसके बाद क्या वापसी करी है उन्होंने, पिछले ओवर में विकेट और इस ओवर में अभी तक भी सिर्फ चार ही रन दिए हैं। शॉट पीछे गेंद, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश पर नाकाम, सिंगल ही मिलेगा। और अब आखिरी बॉल जोसेफ के स्पेल की, सिर्फ 27 रन दिए हैं अभी तक। सामने होंगे अय्यर, शॉट पीछे गेंद और अय्यर ने घुमा दिया है एक बड़े शॉट के साथ, खराब गेंद और 6 रन, शानदार छक्का वहां पर वेंकटेश अय्यर का। ये शॉर्ट पिच की गेंद थी, पुल कर दिया था अय्यर ने और मिल गया एक छक्का। शॉट यॉर्कर ये डाली थी, हल्के हाथों से खेल दिया है सिंगल के लिए रघुवंशी ने। और यहां पे एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी अगर कोलकाता का ये मैच जीतना है तो। नहीं 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 नहीं, 8 ओवर में 66 रन, 111 रन चाहिए अब 70 बॉल पे। वाइड है क्या? नहीं, वाइड नहीं दी अंपायर ने। ओ क्लीन बोल्ड, ये क्या बॉलिंग हो रही है यार, क्रॉस सीम डाला ये और लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलने गए थे अय्यर, पर यहां पर विकेट गवा दिया है अपना, चौथा विकेट यहां पर गिर चुका है। किसको लेके आऊं बैटिंग पे अब मैं, रमनदीप सिंह को लेके आते हैं क्योंकि आंद्रे रसेल तो बड़े बड़े शॉट ही मारता है, तो उसको लेके आना अभी वेट करते हैं। पर रमनदीप सिंह आ चुके हैं, यहां पे खान ने क्या बॉलिंग करी है, तीसरा झटका यहां पर दे दिया है कोलकाता की टीम को, अय्यर को किया है क्लीन बोल्ड और 4 विकेट क्रिकेट आर के गिर चुके हैं अब 85 पे। ओ नहीं, जो नहीं लगे वो वाइड, वाह कौन सी। हेलो ब्रो, जब मैं गेम ड्राइव, एक सेकंड ब्रो, हेलो ब्रो, जब मैं गेम ड्राइव लेटेस्ट वर्जन अपडेट करता हूं तो फाइल्स के लिए प्लेस करता हूं तो तब वो मुझे इंटरेस्ट वॉल्यूम बताता है सीडी। ओके, तो मैं बताता हूं, आपके पास आप डायरेक्ट जो है मेरे ख्याल से इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे होगे, इंटरनेट पे फाइल नहीं अवेलेबल होगी वो, ठीक है, सिर्फ शॉर्टकट अवेलेबल होगा जो आप क्रिकेट 24 का जो डाउनलोड कर रहे हो ना, वो नेट पे सिर्फ शॉर्टकट अवेलेबल होगा, वो डाउनलोड हो रहा होगा, तो फाइल तो सीडी से ही डालनी पड़ेगी, तो आपको सीडी खरीदनी पड़ेगी, इसलिए वो बोल रहा है कि ये वाइड, ये बहुत बाहर है, ये वाइड है। हाँ वो एक्स फाइल है, फिर भी एक्स फाइल ही है वो, इसलिए आपको सीडी डालने के लिए बोल रहा है। यहां पर मुश्किल में कोलकाता की टीम,
109 रन चाहिए अब 62 बॉल्स पे। ओ भाई रवि बिश्नोई बढ़िया गूगली वहां पर। ये लेट कट किया है इस बार रमनदीप सिंह ने दूसरे रन के लिए। नहीं 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 रघुवंशी ने, सॉरी मेरे सीपीयू को सीडी नहीं है, सीडी वाला सीपीयू नहीं है और मेथड फिक्स है क्या क्रिकेट नॉर्मल एरर भाई ब्रो मेरे को आइडिया नहीं है क्योंकि मैं PS5 पे खेलता हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है। मैं PS5 पे खेलता हूँ ब्रो, ये रिमोट है PS5 का, इसके साथ रिमोट के साथ खेल रहा हूँ मैं, मेरे को कंप्यूटर का कोई आइडिया नहीं है, सीडी का कोई आइडिया नहीं है। तो आपको गूगल करना पड़ेगा, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं वहां से आप लोग देख सकते हो। ये बड़ा शॉट और इस पर 6 रन, शॉट पिच ये गेंद थी, खराब ये गेंद थी और उसका पूरा फायदा उठाया रघुवंशी ने और 4 रन कितने का पड़ा PS5 भाई। वही जो अमेजोन पे प्राइस है, आप अमेजोन पे प्राइस देख सकते हो, वो उतने का ही पड़ा है मुझे, अमेजोन से ही मैंने मंगाया था। रघुवंशी ने बढ़िया छक्का मार दिया यहाँ पे खान को, वो भी जो कि एक बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। ओ रन आउट का चांस बन सकता था अगर यहां पे अगर बॉलर एंड पे बॉल थ्रो फेंकता तो शायद रन आउट का चांस बन सकता था, पर बच गया है वहां पर रमनदीप सिंह। और इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, मिड विकेट के लिए सिंगल मिलेगा। हाँ ब्रो इतने का ही पड़ा था। चलो बीट कर गया, अभी भी 100 रन चाहिए, अब 55 बॉलों पे 100 रन चाहिए यहां से मैच जीतने के लिए कोलकाता को। कैसे बनेंगे, बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है यहां से मैच जीतना कोलकाता के लिए। पुल करने की कोशिश पर नाकाम वहां पर। ओए 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 ओ ये शॉट रिवर्स स्वीप कर दिया है इस बार थर्ड मैन की तरफ, 2 रन मिल जाएंगे रघुवंशी को। करीबी मामला हो जाता भाई, अरे यार सामने की तरफ खेलना चाहिए था, लेट कट मारने की कोशिश और रघुवंशी जो कि अच्छी बैटिंग कर रहे थे आउट यहां पर। और बिग फैन सर शाउट आउट दे दो कृष्ण शर्मा, आज फिर से तुम लखनऊ सुपर जायंट्स को सपोर्ट कर रहे हो और वो टीम जीत रही है। आंद्रे रसल आ चुके हैं आप बैटिंग के लिए, आंद्रे रसल यहां पर बैटिंग के लिए आ चुके हैं और फेस करेंगे रवि बिश्नोई को। पहली गेंद पर सीधा फील्डर के हाथों में और अब चाहिए 96 रन चाहिए 49 बॉल्स पे KKR को ये मैच जीतने के लिए। ओ ये बढ़िया शॉट था रसल का पर सीधा फील्डर के हाथों में और कोई रन नहीं वहां पर।
स्टंप्स पे जो बॉल लगी वो देखो आप, बढ़िया गूगली वहां पर डाली थी। और स्टॉइनिस आ चुके हैं आप बॉलिंग अटैक पर, रमनदीप सिंह और आंद्रे रसेल 8 ओवर में 90 रन बना पाएंगे या कैसे क्या करेंगे देखना पड़ेगा। रसेल ये काम कर सकते हैं क्योंकि रसेल द मसल, मैं जिस टीम को सपोर्ट करता हूं वो 80% जीतती है। अच्छा रसेल द मसल, ये बड़ा शॉट खेलने की कोशिश पर बैट पर आई नहीं, आवाज बल्ले से आवाज अच्छी आई नहीं। ये अच्छा शॉट और फ्लिक किया है इस बार रमनदीप सिंह ने। अब चाहिए 45 बॉल पर 93 रन चाहिए यहां से कोलकाता को ये मैच जीतने के लिए। ये बड़ा शॉट रमनदीप सिंह का और 6 रन, बहुत देर से बाउंड्री नहीं आई थी, बहुत देर हो गई थी बाउंड्री आए और रमनदीप सिंह ने यहां पर हाथ खोले हैं, एक बड़ा शॉट लगाया है और पूरे 6 रन यहां पर मिलेंगे। आंद्रे रसेल देखना होगा रवि बिश्नोई को किस तरीके से खेलते हैं। बार फिर से डॉट गेंद, रवि बिश्नोई ने 2 ओवर में 5 रन देके 1 विकेट लिया है, कमाल की बॉलिंग करी है इस पिच पे। और ये लेट कट पर सीधा फील्डर के हाथों में, ऑफ स्टंप पे मैं मार सकता हूं, खाली पड़ा है ऑफ स्टंप। ये हवा में शॉट था हल्का सा पर मिल जाएंगे पूरे 4 रन। और आंद्रे रसेल जब तक क्रीज पर हैं तब तक लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम चांस से नहीं बैठ सकती क्योंकि वो हैं अभी भी जो स्कोर बना सकते हैं। ये बढ़िया बैकफुट पे खेला है और 4 रन आंद्रे रसेल को मिल जाएंगे, 82 रन चाहिए 39 बॉल्स पे। बार फिर से कवर्स की तरफ दूसरे रन के लिए और 2 रन पूरे हो जाएंगे। बड़ा शॉट खेलने गया मैं आंद्रे रसेल और क्लीन बॉल यहां पर रवि बिश्नोई एक बार फिर से अपनी गूगली का बढ़िया यूज दिखाते हुए और विकेट गिर चुका है यहां पर एक और। मिचेल स्टार्क आ चुके हैं अब बैटिंग पर। नहीं 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 नहीं
रमनदीप सिंह देखते हैं क्या कर पाते हैं, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा टारगेट यहां पर चेस करना है। 80 रन चाहिए 35 बॉल पे कोलकाता को ये मैच जीतने के लिए, क्योंकि कोलकाता 6 विकेट गिर चुके हैं 98 पर। मिचेल स्टार्क फेस करेंगे, दूसरी बॉल सामने की तरफ खेल दिया है। इसके बाद होने जा रहा है मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का शानदार सुपर संडे मुकाबला। ये इस बार सामने की तरफ खेल दिया है रमनदीप सिंह ने, और ओ कैच तो पकड़ा पर सिक्स में जाके बाउंड्री के बाहर जाके कैच पकड़ा है फील्डर ने, और 6 रन मिलते हुए यहां पर रमनदीप सिंह को। इस बार कट किया पर सीधा फील्डर के हाथों में। ये बढ़िया गेंद मार्कस स्टोइनिस की, और अब चाहिए 5 ओवर में 70 रन। ओवर ज्यादा है नहीं कोलकाता के पास और ना ही विकेट, 6 विकेट यहां पर गिर चुके हैं कोलकाता की। बच गया, बड़ा शॉट भी नहीं लग रहा है। कमाल की बॉलिंग हुई है रवि बिश्नोई की, लास्ट ओवर डाल रहे हैं, 12 रन देके 2 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। 71 रन चाहिए 27 बॉलों पे। ये बड़ा शॉट खेलने गए और नाकाम रमनदीप सिंह एक बार फिर से। मिचेल स्टार्क ने इस बार घुमा दिया है और 4 रन भी मिल जाएंगे। बढ़िया स्लो स्वीप वहां पर मिचेल स्टार्क का। और 4 रन पर अभी तो बहुत 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 बड़ा टारगेट चेस करना है यहां पे। पच्चीस बॉलों पे 4 ओवर में 66 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। अपील यहां पर अंपायर इंटरेस्टेड नहीं, और मार्कस स्टोइनिस आ चुके हैं अब। कोलकाता के लिए तो ऑलमोस्ट मतलब हार ही है ये। ओह, मिचेल स्टार्क ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करी पर बाल बाल बचे वहां पर क्लीन बोल्ड होने से। इस बार हवा में और मिचेल स्टार्क भी आउट। और एक और झटका यहां पर लग चुका है कोलकाता की टीम अपने ही होम ग्राउंड पर। नाकाम इस रन चेस में। मिचेल स्टार्क 6 रन बनाकर आउट, और अब बैटिंग के लिए आ रहे हैं वरुण चक्रवर्ती।
सिंगल मिला है वरुण चक्रवर्ती को पहली ही बॉल पर, और रमनदीप सिंह बड़ा शॉट खेलने गए और रमनदीप सिंह बाल बाल बच गए, सिंगल भी नहीं लिया, क्या करेंगे सिंगल लेके। तीसरे ओवर की आखिरी बॉल, ये बड़ा हिट और डाइव लगा के वहां पर रन बचाया है, दो रन मिल जाएंगे कोलकाता को। यश ठाकुर आ चुके हैं अपने अगले ओवर के लिए। तीन ओवर में 62 रन चाहिए। ये बड़ा शॉट रमनदीप सिंह का और बाउंड्री मिलती हुई। भाई मेरी स्ट्रीम पे तू कमेंट्स कर सकता है, इग्नोर नहीं करूंगा, रिप्लाई एंड लाइक दोनों एंड सपोर्ट। हाँ ब्रो मैं करता हूँ, एक बार मेरी स्ट्रीम हो जाए उसके बाद मैं करता हूँ ब्रो, मैं डेली करता हूँ तुम्हारी स्ट्रीम पे भी कमेंट। सामने की तरफ खेला एक और बाउंड्री, बैक टू बैक बाउंड्रीज यहां पर आती हुई, रमनदीप के बल्ले से, पर अभी भी बहुत बड़ा टारगेट जो चेस करना है कोलकाता नाइट राइडर्स को। और ये बच गया, मेरे को लगा आउट है। ओ ये बड़ा शॉट और वरुण चक्रवर्ती के बल्ले से आया 6 रन। पर कोलकाता के लिए यहां अभी भी जीत बहुत दूर है, मतलब बहुत मुश्किल है ये मैच जीतना, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, चाहे कितनी भी बाउंड्रीज आ जाए, क्योंकि अभी भी 13 बॉलों पे 47 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। दूसरे रन के लिए नहीं 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 नहीं, अब चाहिए 2 ओवर में 40 रन, हार गए शायद, बिल्कुल भाई 2 ओवर में 40 रन चाहिए, 7 विकेट कोलकाता के गिर चुके हैं, तो मुश्किल है यहां से तो टारगेट चेज करना। लखनऊ सुपर जायंट्स एक और जीत दर्ज करने वाली है बस, और मार्कस स्टोइनिस आ चुके अपने आखिरी ओवर के लिए। सामने हैं रमनदीप सिंह, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश पर नाकाम, ये रन आउट का चांस और बच गया बाल बाल। धीरे धीरे हार का फासला कम हो रहा है, पर यहां से कोई चांस नहीं लग रहा है कि कोलकाता ये मैच जीत पाएगा। 10 बॉलों पे अब चाहिए 44 रन। बाउंड्रीज चाहिए यहां पर कोलकाता को, अब चाहिए 44 रन 9 बॉल पे। शॉर्ट पिच ये गेंद और ये वाइड, बहुत ऊपर है ये वाइड है।
ये आउट। फाइनली रमनदीप सिंह भी एक बड़ा शॉट खेलने गए और कैच थमा बैठे वहां पर, और स्टॉइनिस को मिल चुका है दूसरा विकेट। ये ऑफ कटर डाला था रमनदीप सिंह, एक बड़ा शॉट खेलने गए और सीधा कैच दे दिया वहां पर देवदत्त पाडिकल को। 30 रन बनाकर आउट 26 बॉल पे। गेम का पोस्टर बढ़िया है, गेमर का पोस्टर बढ़िया है। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। वो पोस्टर नहीं है, वो स्टिकर है। वैभव अरोड़ा आ चुके हैं अब बैटिंग के लिए, नंबर 10वें नंबर पर। पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और बाल बाल बचे। दोनों अलग अलग होता है क्या? बिल्कुल दोनों अलग अलग होता है ब्रो। पोस्टर अलग होता है और स्टिकर अलग होता है। ये स्टिकर है। और यहां पर अब ऑफिशियली हार ही गए हैं कोलकाता की टीम। एक ओवर में चाहिए अब 42 रन ये मैच जीतने के लिए। 40 रन चाहिए आखिरी ओवर में ये मैच जीतने के लिए। यश ठाकुर बॉलिंग अटैक पर। पहली गेंद, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और बच गए। मेरे को लगा कैच आउट है पर बच गया। सामने की तरफ खेला है वरुण चक्रवर्ती ने, सिंगल ही मिलेगा इस बॉल पे भी। अब चाहिए 3 बॉलों पे 37 रन कोलकाता को ये मैच जीतने के लिए। ओले, बैट्समैन के नॉन स्ट्राइकर एंड पे लगा मुंह पे बॉल। हेलीकॉप्टर ट्राई करता हूं एक शॉट, नहीं नहीं लगा। यॉर्कर डालते तो शायद हेलीकॉप्टर की ट्राई हो सकती थी पर नहीं लगा। आखिरी बॉल इस मैच की, एक बॉल पे चाहिए 35 रन और लखनऊ फिर ये मैच। ये बड़ा शॉट खेलने गए और विकेट, आखिरी बॉल पर भी विकेट मिल चुका है लखनऊ सुपर जायंट्स को। और इसी के साथ यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने यह मैच जीत लिया है 35 रन से। कोलकाता को उन्हीं के होम ग्राउंड में हरा दिया है। यहां पर वरुण चक्रवर्ती का विकेट भी मिल चुका है 15 रन बनाकर आउट। और इसी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स ये मैच जीत गया है गाइस। मैन ऑफ द मैच मार्कस स्टॉइनिस, जिन्होंने लिए 2 विकेट और 37 रन भी बनाए। और इसी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स रहा इस मैच का विनर। 176 रन बनाए थे कोलकाता ने, और सॉरी लखनऊ सुपर जायंट्स ने, और उसके बाद कोलकाता 142 रन ही बना पाई। और